सैनिकों जाओ अति शीघ्र राजकुमारी पद्मजा को ढूंढ कर लाओ। जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे शिवशंकर, हमारे विवाह के केवल आप ही साक्षी हैं और ये माला हम इसे आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यदि हम जीवित रहें तो पुनः इसे अपने हृदय से लगा लेंगे। तुम लोग शीघ्र ही छुप जाओ। सेनापति जी, राजकुमारी मिल गई है। पकड़ लो इन लोगों को। चलो। के बनाए प्राणियों का हित चाहने वालों के लिए उपकार हूं और प्राणी मात्र को कष्ट देने वालों के लिए संहार हूं। मैं ओंकार हूं। रोती कलपती महारानी केतुमती भोलेनाथ की तपस्या में रत महाराज को विष ध्वज के जाने एवं अभिशापित पद्मजा के विषय में बताती है, किंतु स्वयं महाराज को भोलेनाथ की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मार्ग में सरोवर के निकट पवित्र शिवलिंग देखकर वृषध्वज व सुश्वेत भोलेनाथ से पद्मजा को शाप मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। पद्मजा के प्रासाद नीलम महल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखकर सुश्वेत गुप्त संकेत से अपनी प्रियतमा कनेरी को बुलाता है। सुश्वेत से सहमत कनेरी स्त्री वेश में दोनों को अंदर ले जाती है। स्त्री वेश में वृषध्वज को देखकर पद्मजा स्तंभित हो जाती है। किसी की पग ध्वनि से भयभीत पद्मजा के निवेदन पर वृषध्वज पुनः मिलने का निश्चय कर चला जाता है। क्रोधित महाराज पद्मनाभ पद्मजा के हाथ से शिवलिंगी माला फेंक देते हैं तथा वृषध्वज के पीछे सैनिक दौड़ाते हैं। पीछा करते सैनिकों से बचने के लिए वृषध्वज व सुश्वेत मार्ग बदलते हैं। अपनी कथा सुनकर अन्य सभी के साथ कन्नप भी आश्चर्यचकित है। नारद की प्रार्थना पर भोलेनाथ आगे की कथा सुनाते हैं। वृषध्वज को सकुशल लौटा देख महारानी केतुमती ये सुनकर स्तब्ध हो जाती है कि वो पद्मजा से मिलकर आ रहा है। स्वयं वृषध्वज कहता है कि माँ, यदि तुमने मुझे रोका तो मैं निष्प्राण हो जाऊंगा। ये सुनकर केतुमती स्तंभित हो जाती है। दूसरी ओर सांसारिक बातों से अनभिज्ञ महाराज शिवभूत सदा की भांति शिव भक्ति में संलग्न है। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम ऋषिवर, पधारे। धन्य भाग्य जो आपने दर्शन दिए। मैं ऋषि और आपको दर्शन देने नहीं, आपके दर्शन करने आया हूँ राजन। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं ऋषिवर? नहीं राजन, हम सत्य कह रहे हैं। शिव आराधना और भक्ति द्वारा जिस पुण्य की प्राप्ति तुमने की है वो अद्भुत है, और ऐसे शिव भक्त के दर्शन करके जीवन में लाभ ही होता है। ये शिव भक्ति भगवान शिव की कृपा का परिणाम है ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। किंतु महारानी केतुमती, प्रणाम प्रसन्नचित होकर निवेदन किया जाए तो भला लगता है। ये रोते से सकते हुए प्रणाम करने की प्रथा तो कहीं भी नहीं है। मेरा मन अत्यंत पीड़ित है ऋषिवर। वो तो आपकी मुद्रा से ही प्रकट है, किंतु इस कष्ट का कारण
आप स्वयं जानते हैं ऋषिवर कि भगवान शिव की असीम कृपा और आपके शुभ आशीर्वाद के फलस्वरूप ही पुत्र विष्णुध्वज की प्राप्ति हुई है। तो आज अपने ही हट के कारण वो एक संकट से घिर गया है, उसके प्राणों पर संकट आ पड़ा है। ऋषिवर कृपा करके उसके जीवन की सुरक्षा का कोई उपाय कीजिए। आप कुछ कहते क्यों नहीं ऋषिवर? भगवान शिव की लीलाएं अत्यंत विचित्र और अद्भुत होती हैं महारानी। वृषध्वज के जन्म के समय ही इस सत्य का आभास हो गया था मुझे कि जिस पुत्र को शिवाराधना से प्राप्त किया गया है वो पूर्ण आयु नहीं जी पाएगा। ऐसा न कहिए ऋषिवर, ऐसा न कहिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसमें मेरी इच्छा अथवा विचार तनिक भी नहीं है महारानी। इस विश्वव्यापी सत्य को स्वीकार कर ले, विधि का विधान ही शिवलीला का दूसरा रूप होता है। मैंने आपको पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता से वंचित करना नहीं चाहा था, इसीलिए वृषध्वज के जन्म के समय उसके असमय मरण के योग की बात मैंने प्रकट नहीं की थी। राजकुमार का पद्मजा से मिलने का हट तथा मिलना उसी सत्य का संकेत है। अर्थात मैं अपने पुत्र को असमय ही खो दूंगी, फिर शिव कृपा का अर्थ क्या है? कहाँ हुई हम पर शिव कृपा? यदि भगवान शिव की यही लीला है और उन्हें हमें पुत्र वियोग के शोक में डुबोना ही था तो हमें पुत्र दिया ही क्यों? भगवान शिव के विषय में ऐसा सोचना और ऐसा कहना उचित नहीं है महारानी। उनकी हर इच्छा को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना हर शिव भक्त का कर्तव्य है। महाराज शिवभूति, आपकी बात से निष्ठावान शिव भक्त होने का परिचय मिलता है। स्थिति गंभीर वह पीड़ाकारक होने पर भी मैं इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूँ कि आपका पुत्र इस शरीर को त्याग कर शिव की परम कृपा प्राप्त कर उत्तम गति को भोगेगा। आपको शोक ना करके इस अप्रिय सत्य को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे सखी राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, सैनिको जाओ, अति शीघ्र राजकुमारी पद्मजा को ढूंढ कर लाओ, जाओ। राजकुमारी पद्मजा महल में नहीं है, चलो खोजो। चलो।
शिवाय। हे भगवान भोलेनाथ, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम पर कृपा करो भगवान कि हमारे जन जन का साथ बना रहे। पूर्व जन्मों में हम साथ रहे हैं, इस जन्म में भी साथ हैं, भविष्य में भी हमें साथ ही रखना भगवान, साथ ही रखना। हमारी विनती सुनो भगवान, हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करो। हम आपके सम्मुख एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधकर सभी संकट व अवरोधों को समाप्त कर देने के इच्छुक हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये देखो, कनेरी वन फूलों की चार मालाएं लेकर आ गई है। अब हम चारों अपने अपने प्रिय के गले में ये माला डालकर विवाह के पवित्र संबंध से बंध जाते हैं। इस पवित्र और अटूट बंधन में बंध जाने के पश्चात जगत की कोई भी शक्ति हमें विलग नहीं कर पाएगी। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी पद्मजा, मैं भगवान शिव की कृपा मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। राजकुमार वृषध्वज, आज से मैं भगवान शिव का आदेश समझकर तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और मैं भी तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। ऐसा लगता है कि भगवान शिव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भोलेश्वर की यह प्रसन्न मुद्रा कितनी मनभावन है।
मैं भोलेश्वर की इस प्रसन्न मुद्रा को शिवलिंग पर अंकित कर देता हूँ। हे शिव शंकर, हमारे विवाह के केवल आप ही साक्षी हैं, और ये माला हम इसे आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यदि हम जीवित रहें तो पुनः इसे अपने हृदय से लगा लेंगे। तुम लोग शीघ्र ही छुप जाओ। सेनापति जी, राजकुमारी मिल गई है। पकड़ लो इन लोगों को। चलो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, चलिए। नहीं चलूंगी मैं। चलो, चलो मेरे साथ। मित्र, यहां से भाग चलते हैं। चलो चलो, अब हमें शीघ्र यहां से चले जाना होगा। अब हमारे लिए यह स्थान सुरक्षित नहीं रहा। हाँ, मैं परवजा को लेकर सर्वप्रथम अपनी माँ के पास जाऊंगा। चलो चलो चलो, चलो।